नमस्कार दोस्तों, आईएससी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया है, जिनका नाम परितोष कुमार है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर सीइंग योर ग्रैंडफादर डेस्क वेयर देयर आर थ्री ब्रॉड बुक्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ए ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a table clock. Now, rearrange this item to give a sculpture look like. Also give 3D effect and shadow. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप आपके ग्रैंडफादर की डेस्क देख रहे हैं और जिसके ऊपर की ये चार आइटम रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ है? तीन ब्रॉड बुक्स रखी हुई हैं, एक चश्मा रखा हुआ है, या पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब एक चश्मा रखा हुआ है, एक ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, और एक टेबल क्लॉक रखी हुई है। ये चारों आइटम को रीअरेंज करना है और इस तरीके से रीअरेंज करना है कि वो स्कल्पचर की तरह लगे, और जो बनाया हुआ स्केच है स्कल्पचर है उसको आपको 3D इफेक्ट भी देना है और उसके ऊपर शेडो भी दिखानी है। तो ये चीज कह रहा है एक क्वेश्चन। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर चार चीज़ों का जिक्र हुआ है, थ्री ब्रॉड बुक्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ए ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टेबल क्लॉक, और इसके साथ में जो जिक्र हुआ है स्कल्पचर, कि स्कल्पचर की तरह लगे ऐसा रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्कल्पचर होता क्या है। तो स्कल्पचर की बात करें हम, तो यदि आप ईजी वे में बोलें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मूर्ति, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में स्टैचू, देखे ही होंगे आपने, ठीक है। तो स्टैचू, अब स्टैचू भी कई प्रकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैं दो प्रकार के स्टैचू की बात करूँगा कि एक तो होता है आपका स्टैचू फ्री स्टैंडिंग स्टैचू, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग स्टैचू में क्या होता है कि ये फ्रीली स्टैंड रहता है ना, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, ठीक है। तो ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, स्टैचू मतलब हम स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कल्पचर हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो फ्री स्टैंड स्कल्पचर, दूसरा होता है अटैच्ड टू द बैकग्राउंड, ठीक है, अटैच्ड टू बैकग्राउंड। कि एक ऐसा स्कल्पचर भी होता है कि बैकग्राउंड के साथ अटैच होता है, कि एक बड़ा सा फसाड है और उसमें कुछ प्रोजेक्टेड करके कार्व की हो या उसमें कुछ प्रोजेक्शन करके और उस स्कल्पचर को तैयार किया हो, या हम कहें ये अटैच टू बैकग्राउंड होता है, इसको भी आप दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं। यदि देखें तो एक तो या तो मान लीजिए ऐसा आपका कोई एक सरफेस है और इसमें आपने कोई चीज़ स्कल्पचर बनाया है, कोई मूर्ति बनाई है, और वो बेस से सरफेस से वो आगे की ओर निकली हुई है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाई रिलीफ, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हाई रिलीफ, ठीक है, हाई रिलीफ स्कल्पचर, हम स्कल्पचर की बात करें। और यदि ऐसा ही एक सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर कार्विंग की हुई है लेकिन हमने क्या है उसका मटेरियल कट करके निकाल लिया है और ग्रूव जैसा हमने उकेरा हुआ है ना, तो उससे हम कहेंगे क्या? लो रिलीफ स्कल्पचर। यानी यदि सरफेस को आपने आगे प्रोजेक्टेड करके उसमें कोई एलिमेंट ऐड किया है और वो उभरा हुआ लग रहा है तो वो हाई रिलीफ है, और जो अंदर की ओर घुसा हुआ लग रहा है, अंदर की ओर आपने कट करके कुछ बनाया है, तो वो लो रिलीफ स्कल्पचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी आपको जानकारी दी स्कल्पचर के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यह जो जिक्र हुआ है कि ये चारों आइटम आपको ऐसे जमाने हैं जो कि स्कल्पचर की तरह लगे, तो ये स्कल्पचर कैसा? फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर की तरह लगे, है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई कुछ भी एक एलिमेंट बना दिया जिसके चारों ओर आप घूम कर देख सकते हैं कि ये एक मूर्ति है, स्टैचू है, जो भी, तो उसके चारों ओर घूम कर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें सरफेस में बैकग्राउंड रहता है तो उसे साइड चारों ओर से नहीं देख सकते आप, ठीक है।
तो ये आपका फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर बनेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप से हम ये सारे चारों आइटम अरेंज कर सकते हैं और करके देखेंगे, और देखेंगे कि किस टाइप का हम उसको है स्कल्पचर बना सकते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि मैंने ये जो बातें कहीं स्कल्पचर के बारे में, जो कि इसको देखकर शायद आपको स्पष्ट हो। ठीक है, तो ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, जैसे ये मूर्ति है, स्टैचू बना हुआ है, ये फ्री स्टैंड है, किसी सपोर्ट से नहीं है, चारों साइड आप इसको घूम के देख सकते हैं, है ना, जैसा ये भी बना हुआ है। तो ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है। ठीक है, हाई रिलीफ में ये आप देख रहे हैं कि कोई सरफेस है, उसमें ये आकृति बनी हुई है जो कि प्रोजेक्टेड है, बाहर की ओर प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो इसको हम हाई रिलीफ कहेंगे। और ये कि अंदर की ओर दबा हुआ है, इसको मटेरियल को निकाल कर हमने कार्व किया हुआ है, तो इसको हम लो रिलीफ कहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस स्कल्पचर के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व कर पाएँ, एक प्रयास करते हैं कि हम किस टाइप से इसको सॉल्व करें। तो आइए कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन की बात करूंगा या कुछ बनाने की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम मैं पेपर का जिक्र करता हूँ कि पेपर को आप कैसे करें और चीज़ों को कैसे प्लेस करें। तो ये पेपर आपको A4 साइज़ का ही मिलेगा। A4 साइज़ में आप पेपर में कोशिश करें कि हम सेंट्रली उसको, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं सेंट्रली उसको प्लेस कर पाएँ, जिससे कि ये पेपर के साथ में आप यदि उस चीज़ को देखेंगे तो आपको देखने में कंपोजिशन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक मैं एक मार्जिन ले लेता हूँ किस टाइप का। ठीक है, अब हमें क्या है, फ्री हैंड स्केच करना है। तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना ले रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपको मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, कि इजी से इजी तरीका जो हो सकता है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक ऐसा बड़ा सा क्यूब बना लीजिए। ठीक है, अब इसके हम तीन पार्ट कर लेते हैं ब्रॉड बुक्स बनाने के लिए हमने। ठीक है, 1 2 3, अब इसे ये लाइन भी हम, ये हम आइसोमेट्रिक में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 3D बनाना है आपको तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आइसोमेट्रिक बना सकते हैं, ऑब्लिक बना सकते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, एक्सोनोमेट्रिक बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उसका व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये आइसोमेट्रिक के जैसा बना रहे हैं। तो ये मैंने 3 ब्लॉक बना दिए जिसमें कि मैं बुक्स बनाऊंगा। अब इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, कि आपको मेरे ख्याल से याद होगा 3 बुक्स हैं जो कि ब्रॉड बुक्स हैं। ठीक है, एक टेबल क्लॉक है मेरे ख्याल से याद होगा आपको, और एक आपके पानी का गिलास है। ठीक है, ग्लास एक, और एक आपको और क्या बच गया है, टेबल क्लॉक हो गया, ग्लास हो गया, बुक्स हो गई, और स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये 4 आइटम हैं। ये 4 आइटम में से हमने पहला आइटम बनाया है, 3 बुक्स के लिए हमने ये क्यूब बना लिया, क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, अब हम टेबल क्लॉक के लिए ये ग्लास बनाते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए भी आप ये सोचें कि यदि ये बुक है आप कितनी ब्रॉड दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से आप ग्लास का प्रपोर्शन का हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कि ग्लास इतना बड़ा लगे कि बुक्स के उसमें ऐसा नहीं लगे कि बहुत छोटा सा है। तो बुक और ग्लास के बीच में एक कंपेयर स्केल बिठाना है या प्रपोर्शन देखना है हमें। ठीक है, तो मैं अभी इतना बड़ा ग्लास बना दे रहा हूँ। ठीक, फिर हमने ग्लास के लिए क्यूबॉइड बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, टेबल क्लॉक के लिए, टेबल क्लॉक हम बनाएंगे तो उसके लिए भी हम क्यूब बना लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेबल क्लॉक सर्कुलर बनाना चाहो, या मैं अभी यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए ईजी तरीका बता रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर कहना चाहिए कि क्यूबॉइड ही बनाऊंगा। तो मैं, आप देख रहे हैं कि मैंने ये इस टाइप के क्यूब बना है, ये आपका कंपोजिशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप इसको रिपेयर करते जाएं। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, कि एक स्पेक्टिकल्स और बनाना है। ये बना लिया हमने, इसके लिए बना लिया, स्पेक्टिकल बनाना है। ठीक है, स्पेक्टिकल के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक लेमिना हम खड़ा कर पाएँ। ठीक है, तो जैसा ये हमने इतना बनाया था, ऐसे हम चाहें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाने के प्रयास करता हूँ कि एक लेमिना बनाए जिससे कि हम उसके ऊपर चश्मा दिखा पाए। ठीक है, ये मैंने एक लेमिना बनाया। ठीक, अब ये यहाँ भी यदि देखा जाए तो ऐसा, यहाँ देखा जाए तो ये इस टाइप का जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे।
अब देखिए इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा कि एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ग्लास को कन्वर्ट करें, ठीक है। मैंने ये उसके ग्लास का ऊपर का जो उसका सरफेस है उसको सर्कुलर किया, फिर मैंने इसको, मुझे पता है कि नीचे की साइड जब ग्लास जाता है तो नैरो हो जाता है, तो मैं नैरो करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और नीचे से भी सेम जो कर्व था नीचे सिक्के सरफेस में भी हमने वैसे ही कर्व में इसको मिला दिया, ठीक है। ये लगभग ग्लास की भांति लगने लगा। अब ये हम क्या है कि क्लॉक को रेक्टेंगुलर ही बनाते हैं जिसमें कि आपको ईजी हो। टेबल क्लॉक है, किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी शेप की टेबल क्लॉक बना हूँ। अब यहाँ मैं स्पेक्टिकल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने दो पार्ट में इसको पूरे का दो पार्ट में भाग लिया, ठीक है। ये मेरा इसका ग्लास हो गया, ये इस साइड का ग्लास हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम ये बीच का पॉइंट है, ठीक है। और ये मैंने इसको पहनने का जो हमारा होता है, मेरे ख्याल से इससे इजी तरीका नहीं होगा ये सारी चीज़ें बनाने का, ठीक है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये इनको हमको बुक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबॉइड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोशिश करी कि क्लियरली हम दिखा पाएँ कि कितनी बड़ी बुक है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बुक का साइज़ इतना हो गया थिक। अब ये बुक आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप पीछे से हो सकता है कि कर्व में दिखाना चाहें कि इस टाइप की बुक है, तो जैसा इस साइड बनाया है तो इससे ऐसे ही इसका आपको इस साइड से भी कर करना पड़ेगा, तब जाके वो बुक बनेगी, ठीक है। अब इसमें कवर होगा, बिल्कुल कवर का भी आप ध्यान में रखें, पेज उसके थोड़े छोटे होंगे और एक कवर की हमने लाइन खींची, ठीक है। सेम अब इसके नीचे का जो बुक है उसका भी कवर होगा, तो ये बीच में एक गैप मैं जरूर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गैप उतना नहीं दिखेगा तो भी, लेकिन आपको कम से कम स्पष्ट हो पाए कि बुक कहाँ तक है हमारी, ठीक है। तो मैंने ये बनाया, अब ये सेम जैसा एक कर्व बनाया था, फिर मैंने ये कर्व बनाया, ठीक है। इस साइड भी हम कर्व बनाते हैं, ठीक, और फिर हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। और फिर ये 100 के पेज जो है बुक के कवर से छोटे हैं होंगे, ये आपको उसका कवर दिख रहा है। देन अब ये तीसरी बुक है, तीसरी बुक भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। पहले हमने इसको कर्व बनाया, ठीक है, फिर हमने इसको ये लाइन खींची, और फिर हम कोशिश करेंगे जैसा हमने ये डबल लाइन यहाँ करी है, इसके नीचे के कवर की लाइन भी हमें दिखाई दे, तो ये हमने लाइन खींची, ठीक है। अब 100 के जैसे ये पेज छोटे थे, ये यहाँ पे भी छोटे होंगे, और ये इसका कॉर्नर दिखाई दे रहा है उस साइड 3D में, ठीक है। फिर वही हमने उसको मिलाया और ये हमने हल्का सा यहाँ पे दिया। अब मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं कि ये 3 बुक्स बन चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम इरेज कर देते हैं, और इरेज करके हमें जिससे कि एलिमेंट जो है क्लियरली दिखाई देने लगे और आप समझ पाए कि ये किस टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्स्ट्रा लाइन जो है वो मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। तो फाइनल जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका बुक का, तो ये है बुक, और ये जो आपने बनाया उसका कंपोजिशन का ये है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये एलिमेंट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे, चूंकि ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हैं, डेस्क पर रखी हैं, ठीक है। तो एक डेस्क दिखाई देना चाहिए हमको, तो मैं ये डेस्क का सरफेस, जैसा कि ये सारे आइटम डेस्क के ऊपर आ जाए, मैं एक यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब ये डेस्क को आप डेस्क के कवर, हो सकता है इसके ऊपर कवर दिखा दें, लेकिन अब ये डेस्क का सरफेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेस्क का सरफेस के लिए हमने क्या किया, एक लाइन बना दी, तो ये अब ये डेस्क का सरफेस हो गया, ये उस साइड वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब ये डेस्क का सरफेस पे स्वाभाविक है कि हमें इसके ऊपर क्या है, शेड्स एंड शेडो भी दिखाने पड़ेंगे,
ठीक है, तो शेड्स एंड शेडो के पहले हम शेड्स हम समझेंगे। शेड्स क्या, शेड्स क्या है कि यदि आप देखें कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बगैर लाइट के बगैर रोशनी के नहीं दिखाई दे सकता, तो ये आप मान के चलें कि किसी साइड इस साइड मान लो एक लाइट का सोर्स है और ये लाइट यहाँ से चल रही है उसके ऊपर टकरा रही है, तो स्वाभाविक है जिस सरफेस से ये लाइट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगी या डायरेक्टली टकराएगी तो वो साइड उसका ब्राइट होगा, और जहाँ पे इनडायरेक्टली टकराएगी या रिफ्लेक्शन उसका पड़ेगा वो आपका मिड टोन का होगा, और जहाँ पर कि लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी वो आपका डार्क टोन का होगा। ठीक है, तो हम तीन वेरिएशन हमको इसमें हर ऑब्जेक्ट में दिखाई देते हैं, एक आपका ब्राइट रहता है, दूसरा मिड टोन रहता है, तीसरा डार्क रहता है। ठीक है, कई बार चार दिखाई देते हैं कि रिफ्लेक्शन के कारण भी, और एक चौथा वेरिएशन दिखाई देता है। तो एक मोटे मोटे तौर पर आप तीन वेरिएशन याद रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये मान के चल रहा हूँ कि यदि ये लाइट सोर्स है तो इसके बैक साइड में रोशनी पड़ रही होगी और ये रिफ्लेक्ट होके ये पार्ट भी चमक रहा होगा, तो यहाँ पे ये धीरे 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 करके हमें डार्क दिख रही होगी। ठीक है, ये आप रेंडर करेंगे तो ये जैसे जैसे कॉर्नर में जाता जाएगा वैसे वैसे ये डार्क होता जाएगा। ठीक है, ये वहाँ डार्क हो गया। ठीक, अब ये स्वाभाविक है कि ग्लास में, ग्लास के अंदर का डेप्थ भी दिखाई देगी, तो अब ये यहाँ से यदि लाइट सोर्स है तो ये इसके ऊपर टकरा रहा है लेकिन इस साइड वाले पे नहीं टकरा रहा, तो यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्शन के कारण लाइट दिखाई देगा लेकिन बाकी चीज़ के अंदर की पूरी डार्क साइड का सर्फेस जो है डार्क आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये गहरा है। ठीक, अब जैसा ये है सेम वैसे कि यहाँ पे इस सरफेस से यदि टकरा रहा है तो ये ब्राइटर देगा, यहाँ पे इसका शेडो भी आ जाएगी इसके ऊपर और ये इसके कारण दिखाई नहीं देगा लाइट, है ना, और ये इससे डार्क दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम वॉच बनाएंगे, तो यहाँ हम वॉच बनाने के लिए इसमें क्या है कि वो उसके कांटे बना देते हैं, ये वॉच दिखाई दी हमें एक, ये हम इसमें तीन बजा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर छः का कांटा होगा, यहाँ 12 का, यहाँ 3 का जो भी, ठीक है, 9 का, और ये, और इसके बीच में हम तीन तीन लाइन बना देते हैं जिससे कि ये समझ में आए कि ये वॉच है। ठीक है, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, आप जैसा चाहे उसको अच्छे से अच्छा फिनिश कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी एलिमेंट आप, चूँकि ये यहाँ से ये लाइट सोर्स था तो ये अंदर की साइड तो पड़ रहा होगा, तो इसकी शेडो भी यहाँ आ रही होगी, और ये इस साइड में थोड़ा सा ये डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे ये इसकी शेडो पड़ रही होगी, है ना, और ये ऐसे चश्मा दिख रहा होगा शेडो, चश्मे की भी शेडो हम देख सक रहे हैं। ठीक है, इसके कारण इसमें भी क्या है ये पूरा एकदम वाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी शेडो आ रही होगी तो ये ग्लास जो है ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका शेड्स बनाया, और ये बुक है तो बुक में ये टॉप वाला पार्ट जो है वो ये एकदम ब्राइटर होगा, और यहाँ जैसे जैसे ये रिफ्लेक्शन के कारण ये चीज़ जो है थोड़ी सी मिड टोन में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये जैसे दूसरी जो बुक के पास आएगी तो वहाँ डार्क हो जाएगी और ऊपर की ओर आती जाएगी तो लाइट होती जाएगी। ठीक है, ये अभी मैं स्मर्ज कर रहा हूँ इससे हाथ से, आप चाहें तो स्टिक आती हैं, कॉटन स्टिक भी आती हैं और ये कहना चाहिए पेपर स्टिक भी आती हैं, दोनों स्टिक का आप इस्तेमाल करके स्मर्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब ये यहाँ भी इस नीचे वाले में भी मैं कोशिश करूँगा कि, ठीक है, तो हमें कोशिश करना है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम इसको रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बुक्स के पेज हैं तो स्वाभाविक है कि पेज दिखाने पड़ेंगे, तो हम जितने अच्छे से आप इसमें लाइन बना सकते हैं, है ना, उतने अच्छे से हम बुक्स के पेज दिखा पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मैं उतना अच्छे से शायद नहीं बना सकता हूँ लेकिन आप अच्छे से बनाएं, और एक आइडिया देने का मेरा काम है, जो कि मेरे ख्याल से मैं सफल हो गया हूँ आपको आइडिया देने में कि किस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अब हम इस साइड से भी मैं
तो इस टाइप से आप धीरे धीरे बनाते जाइए तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से। अब ये कोशिश करेंगे ये जो हमने बनाया है जो इनके एक दूसरे के बीच में ये डिफरेंस दिख पाए कि भाई ये के ऊपर एक तीन बुक है एक ही बुक ना लगे, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसा रेंडर कर लीजिए कि तीन बुक लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बुक की शेडो की बात करें तो बुक की शेडो हम मोटे मोटे शेडो बना देते हैं, हम कुछ ज़्यादा उसको वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है तो ये ऐसी जा रही होगी, ये ऐसी जा रही होगी, पीछे से ये आ रही होगी, तो ये लगभग इस टाइप की शेडो दिखाई देगी। और ये गिलास भी ऐसा कहीं गिलास की शेडो भी दिखाई देगी। ठीक है, ये गिलास दिखाई देगा और मेरे ख्याल से गिलास के कारण बाकी चीज़ें कुछ शेडो दिखाई नहीं देगी, तो लगभग इस टाइप की आपकी शेडो की आकृति होगी। ठीक है, अब ये शेडो में भी क्या है कि जहाँ ये बिल्कुल लाइट नहीं आ रही वहाँ पे तो ये डार्क दिखाई देती है, और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से दूर जाती है शेडो तो वैसे वैसे वो ब्राइटर होती जाती है, ब्राइट होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का उसमें शेडो में असर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो एकदम ऑब्जेक्ट के एकदम पास में शेडो डार्क होगी और धीरे 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 करके ये ब्राइट होती जाएगी। ठीक है, टोन चेंज होता जाएगा तो थोड़ी बहुत एक आइडिया आपको लग जाएगा मेरे ख्याल से शेडो का, और आप और अच्छे से करके देखेंगे। और यदि शेडो आपको अच्छे से बनाने सीखनी है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं शेडो के ऊपर, तो आप उनसे देखकर सीख सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें तो फिर मैं और ईजी वे देखता हूँ कि जिससे कि हम शेडो बनाना सीख सकते हैं। वैसे एक सीधा तरीका ये है कि आप कोई लाइट सोर्स लीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रखिए और वो लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट के चारों ओर घुमा कर देखिए कि उसकी मतलब जिस साइड आप लाइट रख रहे हैं, सोर्स रख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी शेडो के साइड पड़ती है, और वो सोर्स को आगे पीछे कीजिए जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि यदि ऑब्जेक्ट के पास होता है लाइट सोर्स तो उसकी शेडो की साइज़ में क्या अंतर आता है और दूर होता है तो क्या अंतर आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आप लेंगे तो इजीली आपसे शेडो बनने लगे। तो फाइनली ये है कि ये आपका आउटपुट निकला है कि वो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, तो इस टाइप से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा जगह छूट गई, यहाँ कम जगह छूट गई, और हम चाहते तो और इसको सेंट्रली प्लेस कर पाते, है ना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आ पाएंगी, तो आप और कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अच्छे से करें और समझें। और यदि नहीं समझ आता तो एक बार फिर से कमेंट करें, मैं और देखता हूँ कि इजी वे में मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।